चित्रकूट जिले की मणिपुर विधानसभा 237 में मतगणना समाप्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के आनंद शुक्ला 12,840 वोटों से विजय घोषित हुए। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निर्भय सिंह ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी की गई है। चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। प्रशासन लगातार समाजवादियों को धमकी दे रहा था, उनके कार्यकर्ताओं को और उनके समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग तक जाऊंगा, जिससे प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मैं इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करूंगा। फिलहाल मणिपुर विधानसभा से 12,840 वोट से जीते हुए प्रत्याशी आनंद शुक्ला को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया और जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने भारी तादाद में सड़क में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जीत की बधाई दी है। फिलहाल जीते हुए प्रत्याशी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अपने विधानसभा में विकास करूंगा, जिससे आम जनता को आराम मिल सके, उनकी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जैसे राशन कार्ड, पानी, बिजली, सड़क इत्यादि। तमाम उन कामों को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। आज हम लोगों ने प्रातः से 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ किया था और मतगणना का कार्य सकुशल संपन्न हुआ है और हम लोगों ने जो विजयी प्रत्याशी हैं श्री अनंत शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के, उनको हमारे रिटर्निंग अफसर ने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है और इस प्रकार से 237 मानिकपुर विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्ण एवं सकुशल तरीके से संपन्न कराया गया। सपा वालों ने कोई शिकायती पत्र दिया था, क्या आरोप लगाया था? कुछ दलों के लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उस प्रार्थना पत्र का रिटर्निंग अफसर ने तत्काल विधिवत उस पर विचार करते हुए और उसका विधिक दृष्टि से निस्तारण कर दिया। ये जीत मुख्यतः जनता और कार्यकर्ता की जीत है। ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी और हमारे जिला नेतृत्व आदरणीय चंद्रिका जी, प्रकाश पाल जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का संगठन पर विश्वास, मुझ पर विश्वास और ये जनता की उम्मीदों की जीत है। ये असत्य, पैसा, शराब के ऊपर सत्य, निष्ठा और कार्यकर्ता संघर्ष की जीत है। जिस प्रकार आपने हाल फिलहाल में देखा होगा किस प्रकार के भ्रष्टाचारी सारे एक हो गए, चाहे उसमें पूर्व मंत्री, शराब का किस तरह बहाव हुआ, पैसे का किस तरह बहाव हुआ, बहुत सारे लोग हमको भी घुमा फिरा के कहीं दहने बाएं से लोगों ने कहा कि आप ये करिए, पर आप सब मीडिया जगत के लोग जानते हैं कहीं भी एक भी नाम अगर आनंद शुक्ला के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का आया कि इन चीज़ों में कहीं भी लिप्त हुआ तो आप कहिए। ये उन सब विषयों की जीत है, जनता की बहुत बड़ी उम्मीद है। क्षेत्र में विकास की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए जनता ने इन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष रहा, अच्छा रहा, लेकिन जो भ्रम और झूठ फैलाया गया उस पर जनता का यथार्थ और सत्य की जीत है। क्षेत्र के लिए पहला कदम क्या होगा? पहला कदम, आनंद शुक्ला चुनाव लड़ना खत्म नहीं किया, चुनाव लड़ने उसी तरह भ्रमण चालू रहेगा। क्षेत्र की जनता का जो जो वादे, 5 वादे थे मेरे, उन वादों को अक्षरशः पूरा करेगा और आप सबके सामने वो सारी बातें धीरे धीरे आती रहेंगी। सभी को आप ये जीत मऊ मानिकपुर विधानसभा की जनता की जीत है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अमित शाह जी, स्वतंत्र देव जी, उनकी नीतियों की, उनके कार्यों की जीत है और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के हमारे जो नेता स्थानीय, सबने जो परिश्रम किया उस परिश्रम की जीत है। मैं जनता को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आनंद शुक्ला जी की विजय के बाद मऊ मानिकपुर में जो विकास की गंगा बह रही थी उसको उसी गति से और तेजी से बहाने का प्रयत्न किया जाए। सपाइयों ने आरोप लगाया है ईवीएम को लेकर के, वो तीन सीट छोड़े जीते वो छोड़ देना, 3 सीटें जीते हैं ना इसी, उनको पहले इस्तीफा दे दें, अगर बहुत गलत होता तो 3-2 सीट जीत गए हैं उसको इस्तीफा दे दें, यानी बिल्ली खंभा, जहाँ नहीं हारते वहाँ गलत, जहाँ जीता ईवीएम ठीक। ये जीत क्या किसको आप श्रेय देंगे, कैसे जनता को? क्या विकास होगा कभी मानिकपुर में? विकास हो रहा तो विकास होगा। ठीक है, धन्यवाद। 2 दिन पहले से तो इस तरीके से बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और यहां भी कुछ मशीनों में जो है उनकी काउंटिंग सही नहीं हुई और काउंटिंग अगर सही हुई तो उनका जो क्लोजिंग टाइम था मशीनों का 6 बजे तक काउंटिंग पड़नी चाहिए, 5 बजे का ही क्लोजिंग टाइम उनका दिखाया गया, किसी का 5, किसी का 4.5, किसी का 5 के समथिंग कुछ ऊपर जो है।
और कुछ में वो डिफरेंस भी आया कि मत पड़े कुछ और निकले जो है कुछ। इस तरीके से बहुत सारी गड़बड़ियां जो है प्रशासन द्वारा जो है की गई, और काफ़ी जो है पहले से ही जो है 2-3 दिन पहले से प्रशासन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रसन्न उनको धमकी दे रहा था, तुमको जेल में बंद कर देंगे। कई लोगों को बंद भी कर दिया था, मानिकपुर, राजापुर और रायपुरा में, मऊ थाने में, तो 5-6 थानों में जो है लोगों को प्रसन्न देकर नज़रबंद किया गया कि हमारे कार्यकर्ताओं को घर से नहीं निकलने दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारा दबाव जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बनाया गया, तमाम प्रधानों के ऊपर दबाव बनाया गया, तमाम कोटेदारों के ऊपर दबाव बनाया गया। इस तरीके से मतलब पूरी कोशिश जो है थी भारतीय जनता पार्टी की कि किसी भी तरीके से हमको जो है चुनाव जो है जीतना है, और वो अपने जो है कुटिल चाल में जो है कामयाब हुए। और मैं मानिकपुर की सम्मानित जनता को बधाई देता हूँ कि मेरा चुनाव खुद जनता लड़ रही थी, मेरे पास बहुत कम संसाधनों में मैंने चुनाव लड़ा, और मैंने देखा कि जनता जो है और सब लोग ये इस बात को महसूस कर रहे थे कि मानिकपुर समाजवादी पार्टी निर्भय पटेल का चुनाव आम जनता लड़ रही है। तो उन सभी जो है मतदाताओं को मैं अपनी हृदय से